वेलकम बैक टू इंडियन सिंपल किचन। इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मलाई कोफ्ता बनाना सिखाऊंगी। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में, और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो ज़रूर बनाएं ये मलाई कोफ्ता और इन्जॉय करें, मेहमानों को खिलाएँ, घर पर बनाएँ, घर में सभी को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। जैसे बारिश कर दे तर या दर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। तो बारिश के इस मौसम में चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है, बॉयल आलू ले लिए हैं तीन। मैंने प्याज लिया है जिसे मोटे टुकड़ों में काट लिया है क्योंकि इसे हमें ब्लेंड करना है। मैंने फ्रेश अमूल की मलाई ले ली है और मैंने लिया है टमाटर जिसे मोटे टुकड़ों में काट लिया है, 5 से 6 ले लिया है काजू, एक अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे काट लिया है, मैंने एक टुकड़ा लिया है पनीर का, हरी 2 मिर्च ली है, धनिया का पत्ता लिया है। स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम पनीर को ग्रेट कर लेते हैं। बस सेम प्रोसेस से हमें आलू को भी ग्रेट कर लेना है ताकि जब हम इसे एक डो में तैयार करें तो उसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो। तो मैंने इसे ग्रेट कर लिया। ये देखिए आलू और पनीर को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ज़्यादा तीखा खाते हैं तो उसे ज़्यादा डालें। और मैंने इसमें डाल दिया है धनिया का पत्ता। इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसमें स्वाद के अनुसार डाल दिया है नमक। अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्न फ्लावर मिलाएंगे। कॉर्न फ्लावर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है आपको डालना। इससे जो है हम अपने डो को बैंड करते हैं और इससे हमारे जो कोफ्ते हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे, बिल्कुल टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसमें आलू और पनीर ही डाला है तो ये तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और जैसे ही हम इसे ऑयल में डालेंगे ये टूट जाएंगे। तो मैंने इसका कर लिया है एक डो तैयार। मैंने हाथ में लगाया है ऑयल और इसके हम छोटे छोटे से गोले बना लेंगे। बस ऐसे घुमाते हुए आपको हाथ से इसके कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल भी हाथ में ये चिपक नहीं रहा है। इसलिए आप कॉर्न फ्लावर या हो सके तो मैदा जो भी आपके पास में अवेलेबल है इसे ज़रूर डाल दें। बस सेम प्रोसेस से हम सारे कोफ्ते को तैयार कर लेंगे बना करके। मलाई कोफ्ते के जो कोफ्ते होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये देखिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल लम्स भी नहीं होते हैं अंदर में और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो मैंने तैयार कर लिया है सारे कोफ्तों को, ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से इसे तैयार किया है मैंने। तो मैंने यहाँ पे ऑयल को गर्म कर लिया है, मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है और उसके बाद हम अपने सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम में से फ्राई करें, लो ना रखें, नहीं तो जो सारा तेल है वो कोफ्तों में पूरा चला जाएगा, इसलिए इसका ध्यान रखें। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसे फ्राई कर लें। कढ़ाई आपकी बड़ी है तो आप इसे ज़्यादा भी फ्राई कर सकते हैं एक बार में। ये देखिए ये इसका कलर बिल्कुल ब्राउन आना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब कि ये अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी टूटा नहीं है कहीं से, बिकॉज़ मैंने इसमें मिला दिया था कॉर्नफ्लावर इसलिए बिल्कुल भी नहीं टूटा है। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा कोफ्ता तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में बनाया है मैंने और बहुत ही अच्छा क्रंची और कहीं से भी जला नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, पैन में मैंने डाला है एक तेज़पत्ता और एक खड़ी लाल मिर्च डाल दी है मैंने। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी अदरक और काजू और उसे भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। ये देखिए मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी प्याज और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से भून लेना है। बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक हमें इसे चलाते हुए भूनना है और बिल्कुल फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखें ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं, क्योंकि हमें इसे करना है ब्लेंड। तो 2 से 3 मिनट हमारे हो चुके हैं पूरे
और जो प्याज और टमाटर है वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं, तो चलिए इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, फिर इसे कर लेते हैं ब्लेंड। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। आप भी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो डालें और इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें, यानी कि इसका पेस्ट हमें अच्छे तरीके से बना लेना है। तो मैंने इसे पीस लिया है, ये देखिए इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। तो इधर मैंने गैस पर रख दिया है एक पैन, उसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल, और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो मैंने इसमें डाल दिए हैं मसाले जिसे मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था, ये देखिए। और जार में जो मसाले बचे रह जाते हैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे हिला लें और उसे भी इसमें डाल दें। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है, जिससे इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो मैंने इसमें डाल दिया है, इसे कर लेते हैं मिक्स। ये देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और फ्लेम अपना बिल्कुल स्लो टू मीडियम रखें, हाई फ्लेम में इसे ना पकाएं। 2 से 3 मिनट का इंतज़ार करते हैं। तो 2 से 3 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं और हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छे तरीके से गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई, ये देखिए। और हमें इसी तरीके की ग्रेवी चाहिए थी, तो 2 से 3 मिनट इसे और पका लेते हैं। ये देखिए इसका फाइनल लुक आ चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून सॉल्ट और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है, ये पूरे तरीके से रेडी हो चुकी है। तो इसमें डाल देते हैं फ्रेश क्रीम, आपके पास में अगर मलाई है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हम मलाई कोफ्ता बना रहे हैं तो ये इसमें बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसे मिला देते हैं और बिल्कुल बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इसकी जो खुशबू है बहुत ही क्रीमी स्मेल आ रही है इसकी। तो चलिए इसमें डाल देते हैं अपने कोफ्ते। तो क्रीम डालने के बाद में आपको 1 से 2 मिनट तक इसे पका लेना है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए इसमें बबल्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो डालते हैं इसमें अपने कोफ्ते। तो आपको कोफ्तों को पूरे तरीके से इसमें मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है और ग्रेवी में जाने के बाद में ये बहुत ज़्यादा गल जाते हैं। या तो आप कोफ्तों को अलग रखें और उसके ऊपर से ग्रेवी डाल के सर्व करें, या तो कोफ्ते को बिल्कुल इसी तरीके से डालें, बहुत ज़्यादा ग्रेवी के अंदर ना डालें। बस तैयार हो चुकी है हमारे मलाई कोफ्ते, बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में, बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें इसे बनाने में। तो फेस्टिवल में इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर इंजॉय करें, आ रहा है रक्षाबंधन तो उसमें बनाएं और बना करके करें इंजॉय। ये देखिए मैंने इसमें मलाई की एक लेयर डाल दी है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, और धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर दिया है। तैयार हो गया है हमारा मलाई कोफ्ता। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ही इजीली मिल जाएगी। तब मिलती हूँ आपके साथ में ऐसी ही आसान सी, टेस्टी सी और घरेलू सी रेसिपी को लेकर के। टिल देन, बाय बाय गाइज़।